प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। पानी के लिए कस्बों ढाणियों में त्राही त्राही मची हुई है। बिसलपुर बांध में पानी की कमी के चलते राजधानी में भी पेयजल की किल्लत अब बढ़ गई है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की पेयजल समस्या को दूर करने की एक कोशिश की है जो कि कामयाब नहीं हो सकी, और इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। देश में भीषण गर्मी और लू का दौर लगातार जारी है और लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इससे राहत नहीं मिलने वाली। ऐसी गर्मी में लोगों के लिए पेयजल समस्या भी अब गहराने लगी है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने गुलाबी नगरी के जंक्शन पर यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था करने की कोशिश भी पूरी तरह से नाकाम ही रही। भीषण गर्मी में पेयजल की त्राही त्राही, जयपुर जंक्शन में पानी को तरसे यात्री। हर दिन आती है करीब 125 ट्रेन, यात्रियों को नहीं मिल रहा ठंडा पानी। रेलवे के वाटर कूलर भी हुए नाकारा, रेल प्रशासन के सारे प्रयास भी रहे नाकाम। मजबूरी में खरीद कर पानी पी रहे हैं यात्री। स्काउट गाइड के बच्चों ने संभाला मोर्चा, यात्रियों के लिए कर रहे हैं जल सेवा। जयपुर जंक्शन प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ हर रोज करीब 125 ट्रेन की आवाजाही होती है, जिनमें करीब 1 से 1.5 लाख यात्री सफर करते हैं। लेकिन रेल यात्रियों को ठंडा पानी भी नसीब नहीं हो रहा। वजह है यहाँ लगे वाटर कूलर का नकारा साबित होना, जिसे यात्रियों को पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। कोटा से आए हम और पानी गर्म आ रहा है तो पीने के लिए इसमें बर्फ डाल के लाए। वहाँ पे नहीं गए, वहाँ पे देखा था, लेकिन वहाँ पे भी गर्म ही आ रहा है। अभी ये ठंडा इतना नहीं है पानी, और पानी ठंडा होना चाहिए इस गर्मी में। क्या गर्मी में पानी ठंडा भी होना चाहिए, पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए हर स्टेशन के ऊपर। मतलब लोग भागते भागते पानी के लिए आते हैं और भागते भागते चलती गाड़ी में चढ़ते हैं, अभी हमने ये देखा है। और यहाँ जयपुर के बाद में जोधपुर के बीच में पानी की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि हम आए थे और आते वक्त हमने खुद ने समस्या की कि रात भर कैसे रहे हम। सर मैं वाराणसी से आ रहा हूँ, लिए भरतपुर से पहले तो काफ़ी जगह पानी मिल गया था, अब आगे आगे कहीं भी पानी मिल नहीं रहा। जिस भी टंकी पे पानी मिल रहा है इसीलिए, और ठंडा पानी नहीं, पाइपलाइन का सीधा पानी है। और मेरी तबीयत खुद की खराब हो गई, रात को गाड़ी को रोकने की नौबत आ गई थी, पानी की वजह से हीट स्ट्रोक हो गया था। उसके बाद में गाड़ी रोके नहीं, बोले गाड़ी रोकी जाती का कोई बात नहीं, हमने सेंड किया। नंबर 4-5 पे ये अपनी स्टॉल है, पानी रेल नीर की कुछ कमी आ रही है यहाँ पर, 2-3 दिनों से पानी आ ही नहीं रहा है, यात्रियों के लिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। सर कोई पीछे से पानी नहीं आ रहा, बताए ऐसे बोल रहे हैं, मालूम नहीं हमें तो। अब रेलवे प्रशासन की कोशिश भले ही नाकाम हो चुकी हो, लेकिन स्काउट गाइड के छोटे छोटे सिपाहियों ने यात्रियों की सेवा का मोर्चा संभाल लिया। उनकी अनूठी पहल यात्रियों के लिए काफी हद तक कारगर साबित हुई। एवन टीवी के लिए जयपुर से हनुमंत सिंह चारण की खास रिपोर्ट। हम 27 तारीख से यहाँ पे जल सेवा के लिए आते हैं, हम यहाँ पे 4 घंटे सेवा करते हैं। मुझे पानी पिलाने में बहुत अच्छा लग रहा है, यात्री आते हैं पानी पीते हैं। हमारे 2 महीने कैम होता है पानी पिलाने का, कोई यात्री बहुत दूर दूर जाते हैं, वो प्यास होते हैं, वो सोते पानी किधर मिले, वो पानी पीते सूझ हो जाते हैं, फिर महसूस हो जाते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन पर सभी प्लेटफॉर्म पर जो है वो पानी की, ठंडे पानी की व्यवस्था है। इसमें कुल हमारे पास 20 वाटर कूलर स्टेशन पर है, सभी प्लेटफॉर्म पे मिला के। तो वाटर कूलर्स हैं वो दोपहर के समय में, उनकी थोड़ा चिलिंग इफेक्ट कम हो जाता है, बाकी राउंड द क्लॉक अच्छा रहता है। और उसमें जो मटके के पानी का जो टेम्परेचर होता है, कई बार उस लेवल तक नीचे आ जाता है, कुछ का चिलिंग इफेक्ट जो है वो डिमांड के अनुसार अच्छा बना रहता है। इसके अलावा वाटर वेंडिंग मशीन है, वो जयपुर स्टेशन पर कुल 10 वाटर वेंडिंग मशीन भी लगी हुई है, जिनमें ठंडा पानी है वो लगातार चलता रहता है। तो रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों को पानी मिलता रहे। गर्मी के कारण कुछ टेम्परेचर का इशू है, अदरवाइज सारी व्यवस्था है। भीषण गर्मी में स्मार्ट सिटी का स्मार्ट स्टेशन यहां पर जो है यात्रियों को पूरी तरीके से ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दे पा रहा है। यहां पर जो है वाटर कूलर लगे हुए हैं, उसकी क्षमता कहीं ना कहीं कम होने से के कारण यात्री भार अधिक है, तो उसकी वजह से यहां पर यात्रियों को पर्याप्त ठंडे पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं वाटर वेडिंग मशीन की बात की जाए तो इसमें से 10 मशीन यहां पर कुल लगाई गई है, उसमें से 2 मशीन बंद भी पड़ी है।
यात्रियों को यहाँ पर मजबूरन पानी है जो पैसे देके खरीदना पड़ रहा है। यात्रियों को बात करें यहाँ पर नीर जो बोतल रेलवे की तरफ से पानी की बोतल मिल रही है उसमें भी पिछले 2-3 दिन से कमी आ रही है, उसकी वजह से भी यात्रियों को यहाँ पर पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन नेमीचंद पाचाल के साथ हनुमान सिंह चारण A1 TV।